कुछ ही दिन रह गए एशिया कप के अंदर, बड़ा बड़े मुकाबले आने वाले हैं। पाकिस्तान नेपाल के साथ खेलेगा, टिकट्स की अपडेट आ चुकी हुई है। सबसे पहले वो शेयर आपके साथ कर देता हूँ, टिकट्स मिलने जाएंगी। जो पाकिस्तान के अंदर मैचेस है ना, जो चार मैचेस पाकिस्तान के अंदर है, वो सैटरडे 12 तारीख को वीआईपी और प्रीमियम वाले मैचेस की टिकट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद 14 अगस्त को बाकी जो सस्ती टिकटें हैं, जनरल इंक्लोजर्स की हैं, वो मिलेंगी। बाकी जो श्रीलंका के अंदर मैचेस हैं उनकी टिकट्स की अपडेट बाद में आई है, लेकिन पाकिस्तानी वाली मैचेस की टिकट्स की अपडेट आ चुकी हुई है। 12 तारीख को 14 तारीख को एशिया कप की टिकट्स मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, नहीं हमारा जो सेमीफाइनल है किधर होना है ना? सेमीफाइनल नहीं है, सुपर फोर। अगर पाकिस्तान जाता है तो पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खेलेगा, अगर बांग्लादेश तो नहीं अफगानिस्तान के साथ खेलेगा, वो वाला मैच उसकी मैच टिकट होगी। मुल्तान वाले पहले मैच उसकी मिल रही है अभी। 12 तारीख से वीआईपी और प्रीमियम मिलेगी और 14 अगस्त को मिलेंगी जनरल वाली और दूसरी जो सस्ती टिकट होती है। यार मैं वही आपको कह रहा हूँ ना, मैं कहा यार वो जो सुपर फोर वाली है ना वो देख लेते हैं। सुपर फोर वाली चलें देखते हैं, टिकट्स आएंगी, दस्ती दस्ती बिकेगी, लेट्स सी देखते हैं क्या होगा, बहुत जल्दी बिक जाएंगी। इसी के साथ साथ एशिया कप आने वाला है, पाकिस्तान ने तो स्क्वाड अनाउंस कर दिया हुआ है, बाकी टीमों का भी आ जाएगा, इंडिया का भी 3-4 दिन के अंदर आने वाला है, या तो कल ही आ जाएगा या तो 16 तारीख से पहले आ जाएगा। उसके साथ साथ बांग्लादेश का ओडीआई कैप्टन शाकिबुल हसन हो गया हुआ है, अफगानिस्तान का भी टीम जो पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी वही ज्यादातर स्क्वाड होगा इनका भी। इसी के साथ साथ लंका की आपके सामने टीम है, लंका पिछले एशिया कप जीती भी हुई है, ओडीआई के अंदर उनको देखना है, तो सारी टीमें तैयारियां नजर आ रही है। हमारा जो स्क्वाड है ना बड़ा बैलेंस्ड है, बड़ा मजबूत है, बड़ा अच्छा और बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मुझे बस एक दो की जरा हुआ है कि एक तो फहीम अशरफ को क्यों डाला गया और दूसरा मुझे हुआ है वसीम जूनियर को क्यों डाला गया। अच्छा, मुझे भी दोनों की समझ से बाहर था, लेकिन चले फहीम अशरफ तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत समझता हूँ ना, जरा वो हार्ड हिटिंग कर लेता है एंड पे आके थोड़ा बहुत, चलो। लेकिन आप जो वसीम जूनियर आपने डाला है ये किस बेस पे डाला है? मुझे दोनों की समझ। इमर्जिंग एशिया कप में ना उसने कोई परफॉर्मेंस दिया है, वो वैसे भी कोई परफॉर्मेंस नहीं देता कहीं भी, मेरी समझ से बाहर है कि वसीम जूनियर को क्यों डालने का क्या मकसद हो सकता है। ये आपको समझ से बाहर नहीं, पूरे पाकिस्तान की समझ से बाहर, यूजलेस यूजलेस है यार ये तो। अच्छा, मैंने आज उसको कहते हैं पहले थोड़ी देर पहले मैंने पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की जो बेस्ट प्लेइंग 11 थी ना एशिया कप की, उसके ऊपर बात की थी, तो मैं जिसको कहता हूँ ना, मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप इसके ऊपर बात करें, साथ ही साथ आज बात करेंगे पाकिस्तानी बॉलिंग वर्सेस इंडियन बैटिंग की भी। तो सबसे पहले अब्दुल्ला भाई, मैंने तो अपनी प्लेइंग 11 बता दी हुई है, आपकी नजर में क्या होनी चाहिए इंडिया की प्लेइंग 11 जो कि बेस्ट आपको नजर आ रही है एशिया कप के लिए? भाई इंडिया की प्लेइंग 11 की बात अगर हम करें तो रोहित शर्मा, और मैं गिल की जगह समझता हूँ ईशान किशन को ओपनिंग करनी चाहिए। अच्छा, गिल को इंडिया ने बड़े मौके दे दिए लेकिन शुभमन गिल जो है ना वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। आप गिल को एज ओपनर बाहर कर रहे हैं? हां जी बिल्कुल बाहर कर रहा हूं, मैं गिल को इंडिया में खिलाऊंगा। अच्छा, खास तौर पे गिल को मैं अहमदाबाद में तो जरूर खिलाऊंगा क्योंकि वो वहां पे ही सबसे ज्यादा चलता है, तो मैं गिल को उसमें खिलाऊंगा। खिलाना मैं इंडिया जो वर्ल्ड कप में होगा ना, मैं वर्ल्ड कप में रोहित और गिल को ही खिलाऊंगा। लेकिन एशिया कप में, एशिया कप में नहीं, एशिया कप में ईशान किशन को, फिर ईशान किशन आएगा, ईशान किशन को, रोहित शर्मा, फिर कोहली ऑब्वियसली, फिर सूर्य कुमार यादव। लेकिन ये फिर वही बात है, सूर्य कुमार यादव के मामले में मैं थोड़ा सा जो हूँ ना जरा घबरा रहा हूँ। हाँ वो फिर सूर्य कुमार यादव, हाँ, क्योंकि वो इसलिए बात ये है कि सूर्य कुमार यादव ने खुद कहा है कि भाई मेरे जो नंबर्स हैं वो ओडीआई में अच्छे नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस ओडीआई में अच्छी नहीं होती। और सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस T20 के लिहाज से तो बेस्ट है लेकिन ओडीआई में थोड़ी बहुत लड़खड़ा जाती है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि सूर्य कुमार यादव को खिलाना चाहिए लेकिन थोड़ा नीचे आना चाहिए उसको। फिर उसके बाद आप कर लें केएल राहुल, फिर पांड्या ऑब्वियसली, फिर जडेजा और फिर शार्दुल ठाकुर हो गया आपका। अच्छा जडेजा का भी, उसके अलावा अक्षर पटेल भी तो आ सकता है, अक्षर पटेल भी ऑप्शन है लेकिन हमेशा इंडिया पे, हाँ ये भी है जडेजा को करता है, सही है। कुलदीप यादव आ गया, बुमराह और जो है ना, बुमराह बड़े अरसे से नहीं खेला, अभी जो सीरीज आ रही है इसमें मैं नहीं समझता कि इसकी बेस पे बीसीसीआई को बुमराह को पिक करना चाहिए। अच्छा, हाँ क्योंकि देखें ये अभी इतने अरसे बाद आ रहा है अव्वल तो वो, और कोई सीरीज को इतनी खास बड़ी नहीं है ये, कोई वो स्ट्रॉन्ग साइड के अगेंस्ट खेलता ना तो मैं चलो कहता कि आप बुमराह को खिला लें, लेकिन मैं भी नहीं समझता कि बुमराह को इनको लेना। हाँ टीम में ले लें लेकिन प्लेइंग 11 में मैं नहीं समझता। तो आप बुमराह को भी निकाले फिर किसको रख रहे हैं? बुमराह की जगह यार शामी बेहतर है, शामी बड़े अरसे से परफॉर्म कर रहा है, इंडिया के साथ है, फिट है और विकेट्स भी लेता है, तो मेरा ख्याल है कि शामी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है बुमराह की जगह। बुमराह अभी नया नया इतने अरसे बाद खेलेगा, आगे पता नहीं उसकी फॉर्म का क्या बनेगा, जो भी वो अभी देखना पड़ेगा हमें।
फिर सिराज उस लास्ट मैन ऑब्वियसली सिराज ये प्लेइंग तो आपने बड़े जिसको कहते हैं शॉकिंग किस्म के चेंजेस किए हैं। गिल को बाहर कर दिया उनका 2023 का हाईएस्ट रन स्कोरर, फिर आपने बुमराह को बाहर कर दिया जिसमें पूरा इंडिया बुमराह बुमराह करता है यार। वैसे आपकी लॉजिक भी सही है एक तरह, बुमराह के हिसाब से तो मेरी लॉजिक बड़ी बेस्ट है। कोई पता नहीं इतना अरसे बाद कमबैक कर रहा है, लेकिन हमने शाहीन को भी तो फिर कमबैक करवाया था ना। शाहीन की इतनी लंबी इंजरी नहीं थी, लंबी इंजरी नहीं, लेकिन शाहीन कुछ इतने खास परफॉर्मेंस भी नहीं आई थी, लेकिन जैसे जैसे मैचेस खेलता गया था फाइनल में उसकी बॉल वापस करके होगी। बिल्कुल वही तो देखे ना, शाहीन को खिलाने का मकसद क्या था? शाहीन को खिलाने का एक मेन मकसद ये था कि हमने इंडिया के दिल में थोड़ा डर डाला, जो हमने डाला भी और जिसका हमें फायदा भी हुआ, लेकिन उसका हमें नुकसान देख लें आप, हमें क्या हुआ है कि हम वर्ल्ड कप में एंड पे फाइनल में हम डसे गए। तो ये मेरा ख्याल है कि भी बुमराह को जो है ना इनको जरा रेस्ट कराना चाहिए, या फिर बुमराह को खिलाना है अगर तो फिर जो जो मेन मैचेस है ना उनमें खिलाए, चांस नहीं। फॉर एग्जाम्पल नेपाल के खिलाफ खिलाने की जरूरत नहीं है, या और जो छोटी छोटी टीम के खिलाफ रहेंगे। और पाकिस्तान की क्या आपको प्लेइंग 11 नजर आ रही है? पाकिस्तान की फखर और इमाम ऑब्वियसली हमारे ओपनर वो बेस्ट हैं, बड़े जबरदस्त हैं, अगर वो चल जाए तो बड़े लंबे चलते हैं। फखर हो गया, इमाम हो गया, अपना बाबर आजम हो गया, बाबर नंबर 3 पे। फिर अच्छा एक और यहाँ पे जो एक दो महीने से ना कन्फ्यूजन बड़ी चल रही है, सलमान अली आगा की, साउथ शकील की और तैयब ताहिर की, इन तीनों में बड़ा टफ मुकाबला होने लगा है कि नंबर 4-5 की पोजीशन किसके पास आनी है। लेकिन मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि भाई हमारा जो है ना मिडिल ऑर्डर का जो मसला था वो बड़ा हल हो गया। अब मुझे पाकिस्तान की टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, हमारी टीम इस दफा बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। हाँ जी, और हमारी टीम बड़ी जबरदस्त है, बड़ी स्ट्रॉन्ग है और बैलेंस्ड है, सबसे बढ़कर बैलेंस्ड है। और मोहम्मद हफीज ने भी, मैंने उसकी बात सुनी, उसने कहा जी साउथ शकील जो है ना वो बड़ा जबरदस्त मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन बन सकता है और सलमान अली आगा भी बन सकता है। तो मेरा ख्याल है हमारा मिडिल ऑर्डर का जो प्रॉब्लम था ना जो साल डेढ़ साल से चल रहा था वो हमारा हल हो जाएगा। सलमान, हाँ जी, साउथ शकील, तैयब ताहिर, सलमान अली आगा, इसको आप इन तीनों को आप कर लें अगर इनमें से कोई एक अगर खेलता तो। फिर रिजवान, ऑब्वियसली रिजवान आएगा। इफ्तिखार को मैं जरूर खिलाना चाहूंगा, इफ्तिखार एंड पे आगे परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी दे देता है, नंबर 6 पे इफ्तिखार। हाँ, फिर हमारे पास शदाब भी है, शदाब है, फिर हमारे पास नवाज है, आठ तक शहीन है, शहीन भी बैटिंग कर लेता है, शहीन ने पीएसएल में अच्छी बैटिंग कर ली थी, शहीन भी बैटिंग कर लेता है, फिर उसके बाद नसीम शाह और एंड पे हारिस। तो ये अगर आप टीम को देखें दोनों की दोनों टीमें, तो इसके अंदर अगर हम कंपैरिजन किया जाए तो देखा जाए तो इंडियन बैटिंग और पाकिस्तानी बॉलिंग का ही हमेशा कंपैरिजन होता है। पाकिस्तान की बॉलिंग और गौर से देखें तो तीन नाम आते हैं तगड़े फास्ट बॉलर के, शाहीन हो गया, नसीम हो गया, हारिस हो गया, तीन तगड़े फास्ट बॉलर। एक तो हारिस बहुत ही तेज है, वो मुंह पे बॉल मारेगा, बाकी शाहीन जो है, नसीम जो है, नसीम आपको इन स्विंग भी करेगा, आउट स्विंग भी करेगा, और शाहीन जो है वो आपको इन स्विंग ही करेगा, लेफ्ट आर्म बॉलर है, तो हर किस्म का फास्ट बॉलर मौजूद है। उसके साथ फिर स्पिनर्स को देखा जाए तो नवाज स्पिनर है, शदाब लेग स्पिनर भी अपने पास है, इफ्तिखार भी स्पिनर है, सलमान अली आगा स्पिनर है। तो 4 और 3, 7 ऑप्शन हो गए बॉलिंग के अंदर पाकिस्तान, ये बड़ी बेस्ट और बैलेंस्ड टीम है। और इसी को अगर आप कंपेयर करो इंडिया की बल्लेबाजी के साथ तो रोहित शर्मा एक तरफ है, गिल, ईशन को, मेरा मैंने तो गिल को रखा हुआ, आपने ईशन को रखा हुआ है। अच्छा, अब एक और फायदा, अब आपके ईशन का फायदा बड़ा होगा, आपने ईशन किशन को रखा है, मैंने गिल को रखा हुआ है, गिल और रोहित हैं दोनों राइट हैंडर, पहला ओवर नसीम करता है, पहले 10 ओवर में से 5 ओवर करने हैं शाहीन शाह अफरीदी ने, लेफ्ट आर्म ने, लेफ्ट आर्म राइट आर्म को पकड़ता है। गिल और रोहित को हमने देखा था ओडीआई के अगेंस्ट, जिसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, इनका क्या हाल हुआ था, उसी हिसाब से आपको याद ही होगा शाहीन हमेशा जिसको कहते हैं ना राइट बल्लेबाज पकड़ता है। आजकल तो भाई वो वैसे ही, आपको पता है ईशन किशन लेफ्टी ओपनर आता है तो रोहित और ईशन का लेफ्ट शेखर धवन वाला काम बन जाएगा, तो उसके लिए जो लेफ्ट आर्म बॉलर होगा उसको खेलना आसानी होगी। ये तो आपके लिहाज से, तो फिर जैसे कहते हैं ना इंडिया को फायदा, इंडिया के लिहाज से भी इंडिया को बहुत फायदा है इस चीज का। इंडिया हमेशा बेचारा जो है वो स्पेशली रोहित शर्मा जो है वो आके आउट हो जाता है, मेरा ख्याल है कि इनको इस दफा इस तरह एक चीज मैं आपको बता दूं, T20 के अंदर रोहित शर्मा नहीं चलता, लेकिन पिछले 2 ओडीआई जो पाकिस्तान ने अगेंस्ट इंडिया खेले हैं उन दोनों ओडीआई के अंदर रोहित शर्मा ने 100 मारा है पाकिस्तान के। भाई देखें रोहित, यही तो बात है, रोहित शर्मा आपका ओडीआई का ही मेन प्लेयर है ना, T20 को मैं इसको उतना मानता हूँ ना, मैं इसको टेस्ट में इतना मानता हूँ जितना मैं इसको ओडीआई में बहुत बड़ा प्लेयर। अगर आपने ओडीआई में कोहली और रोहित को कंट्रोल कर लिया तो भाई मैच अपना है। अच्छा जी, अब तीन हमारे पास तगड़े फास्ट बॉलर जिसमें से शाहीन और नसीम करेंगे अटैक, उधर से रोहित और गिल होंगे या ईशान किशन आपका, तो इसी को देखा जाए तो भाई मुझे लगता है कि ना मुकाबला सख्त है, मुकाबला सख्त है,
लेकिन फिर भी जो रीढ़ की हड्डी इनकी कोहली और रोहित ही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शाहीन को पहले दो ओवर में कुछ ना मिला ना, शाहीन को फिर जैसे कहते हैं मार पड़ेगी। शाहीन अगर विकेट ले ले तो फिर बचत हो जाती है, उसके बाद शाहीन को मार बहुत पड़ने लगी हुई। मैं कहता हूँ पहले जो स्टार्टिंग के ओवर है ना वो नसीम शाह और शाहीन को ही करनी चाहिए। लेकिन जो मुझे लग रहा है ना ज्यादा खतरनाक इंडिया के लिए साबित हो सकता है वो है नसीम शाह। नसीम शाह ने अपने पिछले अरसे में बड़ा इम्प्रूव किया है और वो नई गेंद के अलावा पुरानी बॉल से भी स्विंग कर लेता। तो नजर है कि अब जब नसीम करेगा तो सामने केएल राहुल को तो उसने आउट कर दिया था, मैं याद है एशिया कप और वर्ल्ड कप के अंदर मैं याद आ गया है केएल राहुल को उसने आउट किया था। तो रोहित को भी वो इसका मतलब है कर सकता है, गिल को भी कर सकता है। मसला आता है कि अगर ओपनर आउट भी हो जाए फिर कोहली आ जाता है। अब कोहली हमसे आउट नहीं होता, कोहली द मेन मसला है। अब जितना मर्जी सातों सात बॉलर लगा दो कोहली आउट। अगर आपने इस दफा कोहली को आउट कर लिया ना, मैं आपको लिख के देता हूँ भाई मैच अपना, और मैं फिर कहूंगा श्रीलंका की जो है ना सारा एनवायरमेंट उसमें मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान को इंशाल्लाह टॉस अगर जीतता है तो पहले बैटिंग करनी चाहिए। बैटिंग करके 300, 320, 330 या 350 तक अगर कर देते हैं तो फिर इंडिया नहीं जीतता। लेकिन वहां पे आपको पता है लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं। अच्छा देखिए बल्लेबाजी को देखे ना, रोहित, गिल, कोहली, सूर्या, राहुल, पांड्या, जडेजा, ठाकुर भी बल्लेबाज है, इनकी बड़ी जबरदस्त बैटिंग है, इनकी भी अच्छा इनकी भी बल्लेबाजी अच्छी हो, प्रेशर सिचुएशन में खेलना जानती है। अब पाकिस्तान की बोली में अगर देखा जाए बिल फर्स्ट शाहीन को विकेट नहीं मिलती तो वो हमारी कोशिश होगी नसीम विकेट ले। नसीम एक आधी विकेट ले भी लेता है, उसके बावजूद इनके पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो आपको जिसको कहते हैं ना मैच में दोबारा से कमबैक करवा सकते हैं। आपको कम से कम ना सुपर ओवर में 2-3 विकेट चाहिए, पावर प्ले में 2-3 विकेट चाहिए। और पहले अगर पहले ही शाहीन शाह एक आधी विकेट ले लेता है तो इंडिया पे बहुत प्रेशर हो जाएगा। अगर तीन विकेट इन्होंने पावर प्ले में ले ली तो फिर तो कहते हैं ना बड़ा मुश्किल होगा इंडिया भाई। लेकिन हमारा आपको पता है ना पिछले 1.5-2 साल से एक मसला चल रहा है, हम शुरू में 3-4 आउट कर लेते हैं आराम से, उसके बाद हमसे आउट नहीं होता। तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ। अब जो केएल राहुल नंबर 5 पे है ना, वो नंबर 5 पे बेशक T20 में हम उसको बोलते हैं लेकिन वो ओडीआई में बहुत अच्छा प्लेयर है। नहीं, ओडीआई का प्लेयर है, बड़ा अच्छा ओडीआई में मैच चेंज कर देता होता अगर सूर्य कुमार ज्यादा चलता नहीं है। भाई टीम इंडिया की भी बहुत तगड़ी है, ये तो है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। असल अब्दुल्ला भाई देखिए हम कब से बातें करते हुए आ रहे हैं, अब तो खीर ही हो गया। हमेशा ये सुनना है कि इंडिया की बल्लेबाजी पाकिस्तान की बॉलिंग का मुकाबला होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तो मुकाबला है, अगर पाकिस्तान की बल्लेबाजी चल गई ना तो फिर पाकिस्तान आराम से मैच जीत जाएगा। पाकिस्तान की बल्लेबाजी यार चलनी भी चाहिए, इस दफा हमारी बैटिंग अच्छी है और ये हमारे पास एशिया कप का और वर्ल्ड कप का बहुत 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 अच्छा मौका है। मुझे जो हमारी टीम बहुत बैलेंस, इंडिया की बल्लेबाजी तो बहुत खतरनाक है, अगर वैसे कंपेयर किया जाए ना पाकिस्तान की बल्लेबाजी बहुत अच्छी है, नंबर 2 के 3 बल्लेबाज हमारे पास है। लेकिन अगर आप डेप्थ देखोगे ना 8 बल्लेबाजों के लिहाज से पाकिस्तान के टॉप 3 मैं समझता हूँ बेटर है इंडिया से, लेकिन उनके भी अच्छे हैं, उनका भी, उनके भी गिल ने 2023 से बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई, रोहित और कोहली है। लेकिन फिर भी क्योंकि आप ये देखो ना कोई 1.1% मैं समझता हूँ पाकिस्तान के जो होंगे ना टॉप 3 ज्यादा बेटर होंगे एज कम्पेयर टू रोहित, गिल, कोहली अभी के लिहाज से। इससे पहले बिल्कुल नो डाउट पूरे 10 साल से मैं समझता हूँ कि रोहित कोहली राज कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब नीचे वाले नंबर आते हैं ना मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इंडिया का पड़ला भारी है। जडेजा, पांड्या, केएल राहुल, ये जो तीन है ना वहां पे पाकिस्तान के पास है इफ्तिकार, शादाब और नवाज, या तो रिजवान कर लो। अब आपके ये वाले कभी कभी चलते होते हैं, उनका जिसको कहते हैं ना वो अगर चले तो वो मैच फिनिश कर देते हैं। तौर पर शादाब तो बहुत ही अक्सर होता है, बाय चांस ही चलता है, बहुत कभी कभी चलता है वो। नवाज के ऊपर भी रिलाई नहीं कर सकते। हाँ ऐसे ही है, नवाज के ऊपर भी आप रिलाई नहीं कर सकते। रिजवान की भी ओडीआई में कोई परफॉर्मेंस मुझे नहीं इतनी अच्छी लगी, रिजवान की भी कोई अभी तक खास परफॉर्मेंस नहीं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप 1% आपका ऊपर वाले 3 बल्लेबाज थोड़े बेटर है इंडिया से, उनके भी बहुत ब्रिलियंट है, रोहित, कोहली और गिल, ये सारे के सारे फॉर्म के अंदर है, लेकिन उनके जो नीचे वाले है ना बल्लेबाज सिवाय सूर्य के सारे मुझे इन फॉर्म लगते हैं और अच्छे बल्लेबाज ओडीआई के लगते हैं। तो मुकाबला यही है कि पाकिस्तान के बॉलर्स अगर इनके टॉप 3 को आउट कर भी लेते हैं, मौजदा हो जाता है, कोहली आउट भी हो जाता है, उसके बाद आपको अगले 4 भी आउट करने हैं, ये ना हो कि आप फिर भी 230, 240, 250 करवा लो। मेरा ख्याल है कि केएल राहुल जो है ना वो सबसे ज्यादा तंग करेगा, सूर्य कुमार यादव पे मुझे इतना नहीं है कि वो इतना तंग करेगा। हाँ हो सकता है 50 कुछ कर ले, लेकिन वो भी मुश्किल ही है, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा डाउट है ना वो केएल राहुल पे है कि वो मुझे लगता है वो तंग करेगा। तो फिर मुकाबला सख्ती समझ लें बॉलिंग वर्सेस बल्लेबाजी का। मुकाबला बहुत जबरदस्त है, ये टीम्स दोनों बहुत बैलेंस्ड हैं, बहुत जबरदस्त टीम्स हैं। इंडिया की बॉलिंग में थोड़ा बहुत हो सकता है कि मिक्स चार आ जाए। नहीं अब्दुल्ला भाई इनके स्पिनर्स भी बहुत खतरनाक है, जडेजा, कुलदीप बहुत खतरनाक है।
आपके लेग स्पिनर को देख लो उनका चाइना मैन, तो कुलदीप ज्यादा बेटर है क्योंकि कुलदीप अक्सर तंग करता होता है। हाँ जडेजा का जडेजा भी बहुत अच्छा स्पिनर है, स्पिन के मामले में इंडिया अच्छा है लेकिन फास्ट बॉलिंग के मामले में पाकिस्तान के बॉलर ज्यादा अच्छे हैं, तो ये जिसको कहते हैं नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि सिनेरियो वाइज आपको बता दे तो कंपैरिजन करते हुए बैटिंग वर्सेस बॉलिंग का, इंडियन बैटिंग वर्सेस पाकिस्तानी बॉलिंग, अगर तो पाकिस्तान की बॉलिंग ने पावर प्ले के या पहले 15 ओवर के अंदर इनके टॉप ऑर्डर को उड़ा दिया, तीन को उड़ा दिया इंक्लूडिंग कोहली, कोहली समेत पहले तीन बल्लेबाजों को उड़ा दिया उखाड़ दिया, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की बॉलिंग मुकाबला जीत जाएगी और पाकिस्तान ये मैच भी जीत जाएगी। लेकिन अगर आपने 15 ओवर में कोई भी आउट नहीं किया या आप दो आउट करते हो कोहली आपका खड़ा रहता है, फिर जिसको कहते हैं उनकी बल्लेबाजी मार्का ले जाएगी। और अगर पाकिस्तान की बॉलिंग को इंडिया को अंडर प्रेशर डालना है, इंडिया के खिलाफ मैच जीतना है, तो आपको कोशिश करनी है 240 से पहले पहले इनको आउट करें, क्योंकि लंका के अंदर 250 चेस करना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, हमें पता चलेगा अभी अफगानिस्तान वाली सीरीज के अंदर। ये वैसे पहला मैच कब होगा? ये हमारा पहला मैच है जी, 20 से शुरू हो रहे हैं, मेरे ख्याल में 10 दिन रह गए हैं, 10 दिन बाद क्रिकेट सही शुरू हो जानी है, तो लेट्स सी देखते हैं क्या होगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद दोबारा आते होंगे, तब तक के लिए।